नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अनमोल आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तेल बनाने का विधि बताने वाला हूं, जिस तेल के प्रयोग से चाहे बदन का दर्द हो, कमर का दर्द हो, पीठ का दर्द हो या फिर आपके घुटनों में दर्द हो, बिल्कुल जड़ से समाप्त कर पाएंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में चाहे वो कमर का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, हाथ का दर्द हो या फिर घुटनों में दर्द हो, बहुत ही तेज से फैलने वाला रोग है और यह रोग बहुत ही तेज से बढ़ता ही जा रहा है। इसका सबसे मेन वजह है दोस्तों, हमारा गलत रहन सहन व खान पान। वर्तमान समय में रहन सहन व खान पान पूरी तरह से खराब हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ही छोटी छोटी उम्र में ये सब बीमारियाँ होने लगी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो नुस्खा लेकर के आया हूँ, उसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। साथ में इसका प्रयोग कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक करना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। तो चलिए जानते हैं किस तरह से आपको इस तेल को बनानी है और कैसे इसका प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेने होंगे दोस्तों, दो मीडियम साइज के नींबू। जी हाँ दोस्तों, नींबू का छिलका हम यहाँ पर प्रयोग में लाने वाले हैं। दोस्तों, नींबू के छिलके के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होता है, जो दर्द के साथ साथ सूजन को कम कर देता है। साथ साथ दोस्तों, नींबू के छिलके के अंदर कैल्शियम और विटामिन सी होता है, जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो आप यहाँ पर दो मीडियम साइज के नींबू को लेकर के इसके छिलके को कुछ इस तरह से इस खीरे छिलने वाले की सहायता से अच्छे से पीलअप कर दीजिए। इसके छिलके को आप बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में निकाल दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके छिलके का ही यहाँ पर प्रयोग करना है, बाकी का बचा हुआ नींबू आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप इसका प्रयोग किसी सिकंजे में कर सकते हैं, किसी शरबत में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके छिलके को निकाल करके दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर नींबू के छिलके को यहाँ पर निकाल लिया है, तो आपको यहाँ पर इतने ही छोटे छोटे हिस्सों में इसे काट लेनी है। और दोस्तों, आपको यहाँ पर दूसरा चीज़ लेनी है, ये दोस्तों कांच का एक बोतल। आपको यहाँ पर कांच का ही एक बोतल लेना है या फिर कांच का छोटा सा जार, इसको आप बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शीशे के डिब्बे का ही प्रयोग करना होगा, आपको यहाँ पर प्लास्टिक का डब्बा नहीं लेना है। और आपने यहाँ पर जितने भी नींबू के छिलके को निकाला था, आप बारी बारी से सभी को इस छोटे से डब्बे में डाल दीजिए, कुछ इस तरह से। ध्यान रहे दोस्तों, आपको यहाँ पर शीशे का ही डब्बा प्रयोग में लानी है, आपको यहाँ पर प्लास्टिक का डब्बा प्रयोग में नहीं लानी है। और आप यहाँ पर जब इस छिलके को पूरी तरह से इस डब्बे में डाल दें, तो आपको यहाँ पर अंत में लेना है ये दोस्तों जैतून का तेल। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है दोस्तों, आपको यहाँ पर वर्जिन ऑलिव ऑयल का ही प्रयोग करना है। दोस्तों, जैतून के तेल में ओमेगा 3 होता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में काम करता है, जो सूजन के साथ साथ दर्द को कम कर देता है। और दोस्तों, ऑलिव ऑयल खास करके ज्वाइंट पेन के लिए किसी रामबाल औषधि से कम नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर इस शीशे के डब्बे में ऑलिव ऑयल को अच्छे से भर देनी है, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर में जगह भी छोड़ दें। और आप जब डब्बे को अच्छे से भर दें तेल से, तो आप इसे ढक्कन लगा करके अच्छे से बंद कर दें। और आप किसी थैले में इस छोटे से बोतल को ले लीजिए और आपको इसे उस जगह पर रखना है जहाँ पर कोई भी रोशनी नहीं पहुँचती हो, यानी कि वह एरिया पूरी तरह से डार्क हो। कम से कम आपको इसे 15 दिनों तक वहाँ पर रखना है। आप इसे 15 दिनों तक वहाँ पर रख करके छोड़ दीजिए। 15 दिनों के बाद आप इस तेल को वहाँ से निकालिए और जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है, चाहे वो कंधा हो, कमर हो, घुटना हो, वहाँ पर अच्छे से इस तेल से लगा करके मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप चाहें तो इसके छिलके को वहाँ पर रख करके अच्छे से किसी प्लास्टिक झिल्ली की सहायता से उसे बांध सकते हैं, कवर कर सकते हैं, जिससे कि तेल जो है आपके पूरे अंग पर ना फैले। और दोस्तों, जब भी आप इस तेल का प्रयोग करेंगे तो यह अंदर तक जा करके दर्द व सूजन को कम कर देता है। तो जब भी आपको दर्द हो तो आप इस तेल का प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं। तो आप ऐसा करके देखिए, आपके घुटनों का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, कमर का दर्द हो,
बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगा। साथ ही आप जब भी इसका प्रयोग करेंगे तो आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।